देखिए सामने वो म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज रशिया में 12 जून इनका नेशनल डे सेलिब्रेशन होता है, तो मैं चेरोपोविट्स में एक पार्क में आया हूँ। तो काफी प्लेसेस, एक नदी के किनारे सेलिब्रेशन होता है, एक पार्क है, उस पार्क में मैं आया हूँ। काफी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। यूएसएसआर जब स्प्लिट हुआ तो 1992 में इनका रशिया जब एक अलग कंट्री बना, तो 12 जून उनका नेशनल डे होता है। देखिए सामने वो म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है, लोग कंसर्ट को एंजॉय करते हुए। देखिए कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, काफी अच्छी खासी भीड़, कुछ लोग टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। फैमिली के साथ लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छी तरीके से। आप ही करिए हमारे साथ इसको। चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, खूब ढेर सारे राइड्स दिखाई दे रहे होंगे। देखिए वहाँ पे एक कप एंड सॉसर वाला राइड है, उसमें बच्चे झूमते हुए, कुछ लोग इधर उधर दौड़ते हुए, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहे हैं। चारों तरफ भीड़, धूप खिली हुई है, तो खुशनुमा मौसम है। देखिए देखिए एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई जा रही है उस राइड के पास, और वो जाके वहाँ पे बैठ गई। और एक के सामने से देखिए छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आ रही है, ये अपने को इतना बड़ा समझती है, ये बड़े बड़ों लोगों के साथ दौड़ती रहती है। देखिए यहाँ पे टग ऑफ वॉर हो रहा है और बच्चे दो टीमों में खेल रहे हैं, और जो रस्सी है वो सॉसेज फॉर्म में है। देखिए बच्चे जोर आजमाइश करते हुए, कुछ बच्चे देखिए ज़मीन में गिर गए हैं, और जीतने की कोशिश हो रही है पूरी की कौन सी टीम जीतेगी। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ गेम हो रहा है। हाँ, बच्चे बड़े बड़े जूते पहन के चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो अपनी पूरा डिस्टेंस कवर करेगा इस ऑब्स्टिकल के साथ वो जीतेगा। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची अपनी ट्राईसाइकिल को लेके दौड़ती हुई, तेजी से दौड़ती हुई, और ये पता नहीं कहाँ जा रही है। और वो दूर आपको एक काशल दिखाई दे रहा होगा ना, सफ़ेद और लाल रंग का, उसके चारों तरफ आपको गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। बीच में ये एक बड़ी अच्छी सी झोपड़ी आपको दिखाई दे रही है, चारों तरफ पेड़, लोगों की भीड़, शोर शराबा। मैंने रिकॉर्डिंग करनी है इसलिए आउटसाइड वॉल्यूम कम कर रखा है, तो आपको बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी शॉप्स हैं, कॉफ़ी, आइसक्रीम, फास्ट फूड की, तो आपको जो कुछ खाना हो जाइए खाइए। देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं पूरा अच्छा खासा। अब वही जो कैशुअल बता रहा था देखिए वो ये वाला है, और चारों तरफ फास्ट था। अब हम दूसरी तरफ चलते हुए धीरे धीरे यहाँ से देखिए किधर चलते हैं, सामने कुछ हो रहा है वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। धीरे देखिए आयशा कितनी तेजी से दौड़ती हुई एकदम भागी जा रही है, लग रहा है शायद आज इनको 400 मीटर हर्डल को जीतना है। यहाँ देखिए यहाँ पे जो विनर होता है उसको प्राइज जवाब दीजिए, और प्राइज पाइए। काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े होके खेल रहे हैं, कुछ बच्चे साइकिल चलाते आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ लोग बैठे हैं, म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। कुल मिला के बड़ा अच्छा माहौल है।
आगे देखिए दूसरी जगह की तरफ चलते हुए, काफ़ी बड़ा पार्क है तो देखना पड़ रहा है किधर चलें। चलिए नई तरफ इधर चलते हैं, यहाँ से कुछ बच्चों के शोर बड़े आ रहे हैं तो देखिए क्या होता है। हाँ ये देखिए कुछ बच्चे ये घोड़े की सवारी कर रहे हैं। ये जो घोड़े हैं ये रबर के घोड़े हैं जिनमें हवा भरी हुई है और उन पे बैठ के वो घुड़सवारी कर रहे हैं। वहाँ दूर मुझे कुछ पार्क सा लग रहा है, वहाँ भी काफ़ी बच्चे हैं जो खेल कूद रहे हैं। चलिए धीरे धीरे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या होता है। कुछ चीज़ें कुछ पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर लग रही, लग रहा है जैसे माउंटेन बना रखे हैं। चलते चलेंगे देखिए क्या है, देखते हैं वहाँ पे अच्छी खासी भीड़। देखिए हाँ ये छोटे छोटे पहाड़ बना रखे हैं, बच्चे इस पे चढ़ते हैं और फिर वहाँ से स्लाइड करते हैं। तो चलिए पास चलते हैं और देखते हैं क्या है ये। बिल्कुल ये देखिए अब हम आ गए बिल्कुल पास, यहाँ पे आपको उल्लू दिखाई दे रहा होगा, उस पर बच्चे चढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे पहाड़ हैं, बच्चे इस पर चढ़ रहे हैं पकड़ के और वहाँ से राइट फिसलते हुए आते हैं। लगता है जैसे बहुत बड़ा काम उन्होंने कर लिया ना। धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। देखिए यहाँ पे कुछ बड़ी भीड़ है, कुछ खास हो रहा, बड़ा शोर शराबा आ रहा है इधर से। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी अच्छे खासे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शोर शराबा है। चल के देखा जाए यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए वाह यहाँ पे आपको फोम गन दिखाई दे रही, देखिए ये फोम निकल रहा है क्या नाम होता है, और बच्चे बड़े सब उसमें खेलते हुए है। लग रहा है जैसे बर्फ गिर रही है तो सब इंजॉय कर रहे हैं। देखिए अच्छी खासी भीड़ और बच्चे कुछ उसमें एकदम नहा गए हैं फोम से, बड़े भी हैं। देखिए ये दिखा रहा हूँ आपको, देखिए बच्चे एकदम फोम से सने हुए हैं, बड़े भी सब लोग इंजॉय कर रहे हैं अच्छी तरीके से, खूब मज़े आ रहे हैं सबको। बड़ों का भी बचपन लौट आया है, वो भी बच्चे हो गए। ये देखिए फोम गन, जैसे फोम निकल रहा है अच्छा खासा। ये देखिए पार्क से वो एक रिवर साइड अब हम आ गए हैं, रिवर फ्रंट पे। यहाँ पे भी काफी अच्छी खासी भीड़ है। ये रिवर साइड भी देखिए काफी लोग हैं, बच्चे खेल कूद रहे हैं, स्विंग्स लगे हैं। ये देखिए नदी का किनारा कितना खूबसूरत लग रहा है, नदी में उठती हुई लहरें, चारों तरफ लोग घूमते हुए रेत पे, दूर आपको क्रूज दिखाई दे रहा होगा नदी में एक। ये देखिए बच्ची नदी में की रेत में खेलती हुई, दूर लहरें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये खिली हुई धूप और अच्छी खासी भीड़। चलते चलते हैं, देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और देखिए क्या नई चीज़ देखने को हम लोग को मिलती है। देखिए ये एक अद्भुत चीज़, हाइड्रो लिफ्टिंग या फ्लाई बोर्डिंग इसको बोलते हैं। तो फ्लाई बोर्ड इज़ अ हाइड्रो लिफ्टिंग डिवाइस विच सप्लाइज प्रोपल्शन टू drive the flyboard into the air to perform a sports known as the hydrolifting. Or flyboard was invented in 2012 by a French watercraft writer Frankie Zapata. तो देखें यहाँ flyboarders जो हैं
वो एक्रोबेटिक्स दिखा रहे हैं और रशिया का फ्लैग बनाते हुए, बड़ा खूबसूरत नज़ारा। पीछे आपको हार्बर दिखाई दे रहा है, चेरोपोविट्स का नया केबल ब्रिज दिखाई दे रहा है, कुछ लोग नदी के बिल्कुल पास खड़े होकर एक्रोबेटिक्स देख रहे हैं। अद्भुत नज़ारा कुल मिला के, बड़ा खूबसूरत। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे ये लोग जा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये कुछ लोग यहाँ धूप में खड़े देखते हुए, काफ़ी भीड़ है, अच्छे खासी लोग। देखिए ये घुमा रहा हूँ मैं, कुछ लोग यहाँ अलग अलग तरीके के खेल खेलते हुए। देखिए ऊपर एक बच्चा देखिए तेज़ी से स्लाइड करता हुआ, कुछ लोग जो आराम कर रहे हैं धूप में थके हुए। आपको फ्लाईबोर्ड के बारे में बताना चाह रहा था। फ्लाईबोर्ड राइडर स्टैंड ऑन अ बोट कनेक्टेड टू लॉन्ग होज टू अ वाटर क्राफ्ट, वाटर इज फोर्स्ड अंडर प्रेशर टू अ पेयर ऑफ बोट बूट्स विद जेट नोजल अंडरनेथ विच प्रोवाइड थ्रस्ट फॉर द राइडर टू फ्लाई अप टू 20 मीटर्स इन द एयर। देखिए ये खूबसूरत नदी, नीले रंग की नदी, ऊपर आसमानी आकाश, हरे रंग की हरियाली की पट्टी, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये हाइड्रोलिफ्टिंग वाले अपना करतब दिखाते हुए, लोग देखते हुए, बड़ा खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। देखिए ये लहर धीरे धीरे लग रहा है जैसे हमारी तरफ चलती हुई आ रही हैं, और ये हाइड्रोलिफ्टिंग ख़त्म हो गई है तो ये वाटरक्राफ्ट जो इनकी थी वो खड़ी हुई है। एक्रोबैट्स जो करतब दिखा, ये हम आगे बढ़ते हुए देखिए, यहाँ बच्चों का मेकअप हो रहा है, आप अलग अलग तरीके का मेकअप अपने करवा सकते हैं। कुछ गुब्बारे की शॉप, खिलौनों की दुकान, बच्चे खिलौने खरीदते हुए, साथ में उनके पेरेंट्स। देखिए आगे एक लड़की खूब ढेर सारे गुब्बारे लेके जा रही है। कुल मिला के बड़ा अद्भुत नज़ारा, चारों तरफ शोर शराबा, बच्चों के खिलखिलाने, खेलने कूदने की आवाज़। देखिए वो आपको झूले दिखाई दे रहे हैं जिन पे बच्चे झूलते हुए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए। कुल कुछ कुछ ये मेले जैसा लग रहा है ना, खाने पीने की दुकानें, घूमते फिरते लोग। ये देखिए एक पहाड़ी सी लग रही है, इस पे एक तेज़ी से दौड़ता हुआ बच्चा, लग रहा है जैसे हम कहीं पहाड़ को देख रहे हैं नीचे से, हम लोग चलते हुए धीरे धीरे। ये देखिए नदी के किनारे से सेलिब्रेशन ख़त्म करके लोग आते हुए, जो लोग देख चुके हैं, और हम भी काफ़ी देर वहाँ रह चुके तो अब हम भी वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तब हम लोग धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ चलते हुए पार्किंग में, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। देखिए सूरज अच्छा खासा चमकता हुआ, काफ़ी तेज रोशनी, गर्मी है अच्छी खासी इस वक्त यहाँ पे। तो देखिए अब हम यहाँ से चल रहे हैं अपनी पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ, चारों तरफ हरियाली है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, रशिया डे देखा कि कैसे सेलिब्रेशन होता है, लोग कितना एंजॉय करते हैं। देखिए ये कुछ एक छोटा सा घोड़ा गया, अभी देखा नहीं। देखिए ये बड़ा घोड़ा देखिए मेरे बगल से होते हुए गया, कुछ लोग घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे घर हैं, तो देखिए ये कुछ खूबसूरत घर हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए खूबसूरत घर चारों तरफ, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बड़ा अच्छा लग रहा है सब कुछ देख के। तो आप लोग का रशिया डे सेलिब्रेशन दिखाया, प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू वेरी मच। और ये देखिए फाइनल आपको फायरवर्क्स सैल्यूट का नज़ारा दिखाते हुए, तो आप लोग इस आतिशबाजी का नज़ारा लीजिए। चलता हूँ दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए। किसी नए वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अलविदा।